अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिकली क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को कैलकुलेट करना तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली क्वार्टाइल्स क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं या कहाँ पर कैलकुलेट होते हैं या किस तरह का डेटा है जो कि हमें क्वार्टाइल्स जहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए और हमें किस तरह से ये हेल्प आउट करता है हमारे स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अंदर, जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा हमें दिया हुआ होता है उसमें। बेसिकली क्वार्टाइल्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अ सीरीज़ ऑफ डेटा डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। इसको समझने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं हम मीन की और मीडियन की, ताकि हमें क्वार्टाइल्स के ऊपर जब हम बात करें तो हमें मज़ीद आसानी हो कि होता क्या है ये। देखें, जो हमारा डेटा होता है अगर उन तमाम वैल्यूज़ को, जितनी भी वैल्यूज़ हों डेटा के अंदर, 10, 20, 50 वैल्यूज़ हों, 100 वैल्यूज़ हों, जितनी भी वैल्यूज़ हों, अगर उन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कर देते हैं तो जो उसका एवरेज निकलता है तमाम वैल्यूज़ का, जब हर वैल्यू को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है तो जो उसका एवरेज निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन। और जहाँ तक बात है मीडियन की, तो मीडियन में हम क्या करते थे कि जो भी हमारा डेटा होता था हम उसको अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े नंबर्स में अरेंज करते थे, और उसके बाद बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू देखते थे कि बिल्कुल बीच की वैल्यू क्या है। बिल्कुल बीच की सेंट्रल वैल्यू जो होती थी हमारे डेटा की वो हमारा मीडियन कहलाता था। मीडियन बेसिकली डेटा को जो है दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता था, डिवाइड कर देता था। उससे हमें ये पता लगता था सेंट्रल वैल्यू से कि हमारी 50% वैल्यूज़ जो है वो इस स्पेसिफिक वैल्यू से कम है जो कि हमारा मीडियन होता था, कि मीडियन से 50% वैल्यूज़ हमारी कम होती थी और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं वो उस स्पेसिफिक वैल्यू से, मीडियन से ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को। अच्छा, क्वार्टाइल को समझने के लिए हमें मीडियन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। जिस तरह से मीडियन डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल जो है वो हमारे डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है। और क्वार्टाइल हमें फर्दर ये हेल्प करता है हमारे डेटा को समझने के लिए कि हमारे जो डेटा है अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा डेटा है हमारा, तो उस डेटा को समराइज करना इतना आसान नहीं होता। अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो उसको आसान अल्फाज में समझने के लिए अगर हम चार इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और हर ग्रुप की एक अलग अलग समरी बिठा लें तो डेटा को हम मज़ीद डेप्थ में जाके समझ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू समराइज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं उनके ग्रुप्स को बना के समराइज करते हैं। नंबर टू पे ये बोल रहे हैं इंस्टीड ऑफ लुकिंग अ बिग लिस्ट, बहुत बड़ी तादाद में नंबर्स को देखने के बजाय, जस्ट अ फ्यू नंबर्स कैन गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ एंटायर डेटा। चंद वैल्यूज़ जो हैं वो पूरे डेटा की हमें बहुत वाजे जो है वो तस्वीर, बहुत वाजे शक्ल हमें बता देता है कि हमारा डेटा बेसिकली जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं क्या बेसिकली। और तीसरे नंबर पे ये बात बोल रहे हैं कि क्वार्टाइल्स आर ग्रेट फॉर रिपोर्टिंग अ सेट ऑफ डेटा एंड फॉर मेकिंग बॉक्सेस एंड विस्कर प्लॉट्स। बॉक्सेस और विस्कर प्लॉट्स जो है, जो डेविएशंस वगैरह को बेसिकली एक्सप्लेन करता है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में हम जब डेविएशंस को समझेंगे तो उसमें आपको फर्दर ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक बात अपने जहन में रखिएगा कि क्वार्टाइल की
तीन अलग अलग वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पहली वैल्यू Q1 कहलाती है, दूसरी वैल्यू Q2 कहलाती है और तीसरी वैल्यू Q3 कहलाती है. क्वार्टाइल वन जो है बेसिकली आपके डेटा के 25% नंबर ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्वार्टाइल टू आपके पूरे डेटा की 50% वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है. और क्वार्टाइल टू और मीडियन दोनों एक ही बातें हैं. इस तरह एक बात है, बिल्कुल इस तरीके से एक बात है कि हमने क्या बात बोली थी, मीडियन क्या होता है. मीडियन हमारे डेटा को दो पार्ट्स में स्प्लिट करता है और उसके सेंट्रल वैल्यू बेसिकली बता देता है हमको, हमारे डेटा की सेंट्रल वैल्यू बताता है. तो क्वार्टाइल टू भी क्या बता रहा है आपको, आपके डेटा की बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू बता रहा है. तो Q2 और मीडियन, क्वार्टाइल टू और मीडियन हमेशा सेम आते हैं, जबकि क्वार्टाइल थ्री जो है वो हमारे पूरे डेटा की 75% वैल्यूज़ का, शुरू की 75% वैल्यूज़ का एवरेज हमें बता रहा होता है. तो Q1, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि Q1 हमारे डेटा की 25%, जो शुरू की 25% वैल्यूज़ होती हैं उसका एवरेज देता है. क्वार्टाइल टू हमारे डेटा की 50% वैल्यूज़ का एवरेज देता है, और जबकि क्वार्टाइल थ्री हमारे डेटा की 75% वैल्यूज़ का एवरेज हमें दे रहा होता है. इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्ज़ैम्पल यहाँ पे करते हैं सॉल्व, एक एग्ज़ैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. एग्ज़ैम्पल नंबर वन, फॉर एग्ज़ैम्पल एक सवाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर गिवन ब्लो. एट, 12, 9, 11, 15, 21, 27, 3, 9, 17, 6, 18, 13, 20, 19. तो ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए हुए हैं. तो हमें बेसिकली हम इसका कैलकुलेट करते हैं, फाइंड क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल टू एंड क्वार्टाइल थ्री. क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल टू और क्वार्टाइल थ्री हम इसका फाइंड करते हैं. अच्छा, कैलकुलेट करना तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको बता देते हैं अभी. उसको इंटरप्रेट करना असल चीज़ है कि ये हमें क्या एक्सप्लेन करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें ये समझना भी ज़रूरी है, हमें समझ में आना चाहिए. तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर इंशाल्लाह उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा डेटा बोल क्या रहा है हमें. अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्वार्टाइल वन की, तो क्वार्टाइल वन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बिल्कुल सेम मीडियन की तरह. फॉर्मूला हमें अपने माइंड में रखना है. मीडियन का फॉर्मूला होता था n+1/2, लेकिन इसका फॉर्मूला होगा n+1/4, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज़ को दो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को स्प्लिट कर रहे हैं बेसिकली कितने पार्ट्स में, चार पार्ट्स में. और क्योंकि ये Q1 कैलकुलेट करा जा रहा है तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में. इसी तरह अगर हम बात करें क्वार्टाइल 2 के फॉर्मूले की, पहले थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे डिस्कशन कर लेते हैं फिर कैलकुलेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे. तो अगर मैं आपसे क्वार्टाइल 2 के फॉर्मूले की बात करूं तो Q2 का जो फॉर्मूला बनता है वो आपका बनेगा n+1/4 और
ये मल्टीप्लाई होगा 2 से क्योंकि हम क्वार्टाइल 2 फाइंड कर रहे हैं, और जब क्वार्टाइल 3 की हम बात करें, अगर यहाँ पे कर लेते हैं इसको ताकि ऊपर कैलकुलेशन कर सकें हम, अगर हम यहाँ पे क्वार्टाइल 3 की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q3 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और अगेन ये यहाँ हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वार्टाइल 3 फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला एक बार फिर देखते हैं, क्वार्टाइल 1 में Q1 जो है वो एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्वार्टाइल 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, और क्वार्टाइल 3 में ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी फॉर्मूला इसका सेम ही रहेगा। डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय 4 बिल्कुल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, और क्वार्टाइल डेटा को 4 पार्ट्स में जो है वो सीरीज में सीक्वेंस में स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं। चले आ जाते हैं वापस Q1 पर। ये तमाम वैल्यूज़ को सबसे पहले आप इसमें देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 15 वैल्यूज़ हैं ना ये, तो 15 वैल्यूज़ के लिए नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपकी हो गई n, हो गई 15, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म्थ वैल्यू, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 4th वैल्यू। हमारे डेटा की जो 4th वैल्यू है वो हमारा कहलाएगा क्वार्टाइल 1। अब इन तमाम वैल्यूज़ को सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। इस तरीके से 4th वैल्यू नहीं देख सकते क्योंकि ये डेटा जो है वो स्कैटर्ड है, ये अरेंज्ड डेटा नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो छोटे से बड़े में जब अरेंज किया जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे 3। 3 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है 6। 6 के बाद जो हमें वैल्यू नज़र आ रही है वो आ रही है 8। 8 के बाद हमें यहाँ पे दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, 9 दो बार है तो हमने 9 को दो बार लिख दिया। 9 के बाद हमें जो नेक्स्ट वैल्यू नज़र आ रही है वो आ रही है 11। 11 के बाद 12, 13। 13 के बाद हमें जो वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है वो वैल्यू हमको नज़र आ रही है बेसिकली 15। 15 के बाद हमें जो वैल्यू नज़र आ रही है वो नज़र आएगी 17। देन 18, 19 ऑनवर्ड्स। इस तरह से सबसे पहले आपने इन तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप इन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि ये जो 4th वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है आपकी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4th वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे 9। तो हम बेसिकली ये बोलेंगे कि हमारा जो क्वार्टाइल 1 आ रहा है, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू हमारी है 9। ये हमारा Q1 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अपना अब क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 के लिए हम क्या करेंगे, n हमारा था 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म्थ वैल्यू, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज, तो Q2 हमारे पास में आ रहा है हमारी 8th वैल्यू। वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था। अगर हम इसको देखें तो हमारी 8th वैल्यू जो आ रही है 5, 6, 7 और 8th वैल्यू हमारी आ रही है 13। तो हमारा यहाँ पे जो क्वार्टाइल 2 होगा, क्वार्टाइल 2 हमारा बनेगा 13। इसी तरह अगर हम क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो क्वार्टाइल 3 के लिए 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू, और
ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 और ये हो जाएगा हमारा 12th वैल्यू। तो हमारे डेटा की जो 12th वैल्यू है वो कौन सी होगी, ये हो जाएगी 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। 12th वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पे 19। तो हमारा जो क्वार्टाइल 3 आ रहा है वो आ रहा है 19 आ रहा है। तो हम अगर इसको लिखें यहाँ पे कि हमारी क्वार्टाइल 1 की जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई थी, 9 आई थी। हमारी जो क्वार्टाइल 2 की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 13, और जो हमारी क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आई है वो आई है 19। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वार्टाइल 1 बता रहा है कि 25% ऑफ स्टूडेंट्स गेट 9 मार्क्स, मतलब हमारे डेटा के 25% बच्चों ने 9 मार्क्स या उससे कम मार्क्स लिए हैं। हमारे 50% बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 13 मार्क्स हैं या 13 से कम मार्क्स हैं, और हमारे 75% बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 19 मार्क्स हैं या 19 से कम मार्क्स हैं हमारे बच्चों के। इसको दोबारा समझ लीजिएगा कि 25% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट 9 मार्क्स और बिलो, और बिलो लिखना ज़रूरी है, 9 मार्क्स नहीं है सब बच्चों के, या तो 9 मार्क्स हैं या 9 से कम मार्क्स हैं 25% बच्चों के हमारे। 50% बच्चों के मार्क्स हमारे या तो 13 हैं या 13 से कम हैं, और 75% बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं हमारे वो आ रहे हैं 19 मार्क्स हमारे आ रहे हैं 75% स्टूडेंट्स के। तो अब आप देखेंगे कंपैरेटिवली अगर हम इसका सिर्फ मीन कैलकुलेट कर लें, अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मीन में हम क्या करेंगे, मीन में हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर रहे होंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज मतलब 15 से डिवाइड कर देंगे, तो जो एवरेज आएगा उसका वो तो पूरे के पूरे डेटा 15 के 15 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर डेटा की मज़ीद डेप्थ में जाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम डेटा को मज़ीद थॉरली समझें, उसको बहुत इन डेप्थ जाके देखें, तो फिर आपको क्वार्टाइल डिसाइल या परसेंटाइल करना पड़ता है। तो अब क्वार्टाइल आपको मज़ीद डेटा के बारे में बता रहा है कि भाई 25% बच्चों के तुम्हारे एवरेज मार्क्स 9 बन रहे हैं, 50% बच्चों के मार्क्स तुम्हारे एवरेज जो हैं वो 13 बन रहे हैं, और 75% बच्चों के मार्क्स तुम्हारे जो हैं वो एवरेज पे 19 बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्वार्टाइल 4 क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा, तो क्वार्टाइल 4 100% डेटा 100% स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर भाई 100% स्टूडेंट्स के मार्क्स को ही जानना है तो उसके लिए क्वार्टाइल क्यों कर रहे हो, क्वार्टाइल से बेहतर है उसके लिए आप नॉर्मली मीन कैलकुलेट करो और मीन के ज़रिए उसके आंसर को समझ लो। तो इसलिए हम क्वार्टाइल 4 कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्वार्टाइल 4 के बजाय अगर हमें 100% डेटा को एनालाइज करना है तो उसके लिए नॉर्मली मीन कैलकुलेट किया जाएगा ताकि हम तमाम डेटा को समझ लें, तो इसलिए Q4 कैलकुलेट नहीं होता। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी हमारे क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल वाले टॉपिक की। सेम क्वार्टाइल की तरह डिसाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वार्टाइल में जो हमारा डेटा होता है हम उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि डिसाइल के अंदर जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डेटा को डिवाइड किया जाता है। जब डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करते हैं तो ये डेटा की जो है हमें मज़ीद कह लें कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है और डेटा को जो है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके स्टडी करता है। ये इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल लिखी है जिसमें यहाँ पर 24 स्टूडेंट्स के
मार्क्स लिखे हुए हैं और हमें यहाँ पे डिसाइल 1, डिसाइल 5, डिसाइल 7 और डिसाइल 9 कैलकुलेट करना है इसमें। डिसाइल 1 की अगर हम बात करें तो इसके फॉर्मूले को समझने के लिए आप बिल्कुल वही क्वार्टाइल वाले कॉन्सेप्ट को और मीडियन वाले कॉन्सेप्ट को सामने रख के चलेंगे। मीडियन में डिवाइडेड बाय 2 करते थे क्योंकि वो डेटा को दो पार्ट्स में स्प्लिट करता है। क्वार्टाइल को हम डिवाइडेड बाय 4 करते थे क्योंकि वो डेटा को जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता था। सेम इसी तरह डिसाइल को हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे क्योंकि ये डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो D1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n+1 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 1। मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों है, क्योंकि D1 कैलकुलेट करना है हमको। D5 की अगर हम बात करें तो n+1 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा। D7 की बात करें तो n+1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 होगा। और अगर D9 की बात करें तो n+1 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 9 किया जाएगा। तो आई होप के फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब ज़रा सी कैलकुलेशन पे और फिर फर्दर इसकी इंटरप्रिटेशन पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास टोटल 24 थी, तो 24 n की जगह हमने यहाँ प्लॉट किया 24+1 25 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1 2.5। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 2.5th वैल्यू हमें देखनी है। अच्छा, अब क्योंकि सवाल में जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये अरेंज्ड नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमें इन तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करना ज़रूरी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को पहले छोटे से बड़े डिजिट्स में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है 2.5th वैल्यू। 2.5th का मतलब सेकेंड और थर्ड वैल्यू देखेंगे। तो सेकेंड वैल्यू 23 है और थर्ड वैल्यू 29 है। 2.5 इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, दूसरी और तीसरी वैल्यू के दरमियान की वैल्यू होगी हमारी 2.5th वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू हमारी है 23 और थर्ड वैल्यू है हमारी 29। तो 23 और 29 के प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा तो इन दोनों के सेंटर की वैल्यू हमारे पास जो आई है कैलकुलेट होके वो आ रही है 26। तो डिसाइल 1 हमारा आ गया 26। डिसाइल 1 अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो इसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली ऐसे होगी, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमने अगर हम देखेंगे 10% स्टूडेंट्स हमारे पास में ऐसे हैं जिनके मार्क्स 26 ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। इसी तरह अगर हम डिसाइल 5 की बात करें तो हमने 24+1 डिवाइड बाई 10 अगेन वही करा, 12.5th वैल्यू आ रही है। तो 12.5th का मतलब 12th वैल्यू और 13th वैल्यू का एवरेज लेना है। तो हमारे पास 12th वैल्यू जो है वो 38 है और 13th वैल्यू हमारे पास में 40 है। तो हमने इसको भी जब एवरेज लिया तो उसका एवरेज आ गया हमारे पास में 39। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिसाइल 5 D5, तो हम ये कह सकते हैं कि 50% वैल्यूज़ हमारी जो है वो 39 और उससे बिलो है ऑन एन एवरेज। 50 वैल्यूज़ जो है हमारी जो फर्स्ट हाफ वैल्यूज़ हैं 50, क्योंकि हम डेटा को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे अगर, तो जो फर्स्ट हाफ वैल्यूज़ हैं हमारी उसका एवरेज हमारा 39 आ रहा है। पहली 50% वैल्यूज़ का एवरेज 39 है। ये बोल रहा है कि पहली 10% वैल्यूज़ का एवरेज 26 है, या पहले 10% स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 26 हैं। इसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स 39 आ रहे हैं। इसी तरह डिसाइल 7 जब हमने कैलकुलेट किया तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स 42.5 हैं। और डिसाइल 9 में बोल रहा है कि 90% स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 49.5 हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिसाइल को एक्सप्लेन करना है। अब अगर हम आ जाएं परसेंटाइल की तरफ, तो परसेंटाइल डेटा को बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक आप जो परसेंटेज जिस परसेंटेज फॉर्म में देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की नहीं हो सकती। क्वार्टाइल जो है वो सिर्फ 25% 50% 75% को शो करता था, परसेंटाइल जो है वो 10-10% के गैप से शो करता है, सॉरी डिसाइल जो है वो 10-10% के गैप से शो करता था। और परसेंटाइल में जो फ़र्क है वो ये है कि आप जिस परसेंटेज
के डेटा को देखना चाहें वो आप रैंडमली पिक कर सकते हैं 1 से लेके 99 तक के। तो अगेन वही सवाल हमने कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ बोला कि अब हम परसेंटाइल 25 निकालना चाहते हैं, परसेंटाइल 40 निकालना चाहते हैं, परसेंटाइल 55 निकालना चाहते हैं और परसेंटाइल 90 निकालना चाहते हैं। इसके फॉर्मूले को समझने के लिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 होगा क्योंकि परसेंटाइल है, क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4 कर रहे थे, डिसाइल में डिवाइड बाय 10 कर रहे थे, तो परसेंटाइल में डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। और क्योंकि p 25 चाहिए तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से। फिर जब परसेंटाइल 40 की बारी आई तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 हो गया। जब p 55 की बारी आएगी तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 55 हो जाएगा। और जब p 90 की बारी आएगी तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 90 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपको निकालनी है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हम पिछले क्वार्टाइल में और डिसाइल में भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। इसी तरह जब हमने परसेंटाइल 25 कैलकुलेट करा तो उसका आंसर आ रहा है 31.5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे शुरू के 25% स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑन एन एवरेज 31.5% स्कोर किया है। परसेंटाइल 40 में हमें कह सकते हैं कि हमारे शुरू के जो 40% स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑन एन एवरेज 38 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसी तरह परसेंटाइल 55 में हम ये कह सकते हैं कि हमारे शुरू के 55% स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। और परसेंटाइल 90 में हम ये कह सकते हैं कि हमारे शुरू के 90% स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज 49.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर आपको इसकी इंटरप्रिटेशन समझ में आती हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना। और अगर इंटरप्रिटेशन में आपको मसला है तो कैलकुलेशन तो शायद आप सीख जाएं लेकिन आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा कि बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ है। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें, ये तो डेटा चले, अगर हम यहाँ देखें 24 वैल्यूज़ थी तो हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर यही वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, मतलब अगर ये वैल्यूज़ 50 हो जाएँ, 60 हो जाएँ, 100 हो जाएँ, तो फिर इस तरह कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने लग जाऊँ और फिर सॉल्व करें तो ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो उससे बचने के लिए हम पहले इस अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे, इसके इंटरवल्स बनाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे और फिर उसकी मदद से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन उसके फार्मूलाज जो हैं वो कंपेयर ऐसे नहीं होता, उसका फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसको समझने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आप फिर चाहे वो अनग्रुप डेटा हो या वो ग्रुप डेटा हो, आपको क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल जो हैं वो कैलकुलेट करना आ जाए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप डेटा के ऊपर बात करेंगे ताकि जो चीज़ें रिमेनिंग इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। थैंक यू।